ये हर कोई जानता है कि सोशल मीडिया के जरिए नफरत का बीज बोया जा रहा है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि नफरत का बीज बोने में वो लोग शामिल हैं जो बात बात पर खुद को कट्टर हिंदू और देशभक्त बताने में देरी नहीं करते हैं। आगरा पुलिस ने ऐसे ही एक चौंकाने वाला मामला खुलासा किया है जिसको जानने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। सोशल मीडिया में किसी खास धर्म को बदनाम करने की नीयत से सीएम योगी आदित्यनाथ को गाली देने वाले मुस्लिम शख्स को आगरा पुलिस ने जब गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपी के चेहरे से नकाब उतर गया। दरअसल जिस असद खान के नाम से फेसबुक प्रोफाइल चलाया जा रहा था उसका असली नाम विनीत प्रताप सिंह निकला। आगरा पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी इसी मोबाइल फोन से फर्जी फेसबुक प्रोफाइल चलाता था और एक खास धर्म को बदनाम करने के लिए हिंदू धर्म और बीजेपी नेताओं के बारे में गंदी गंदी गालियां लिखता था। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी विनीत प्रताप सिंह के साथियों को भी जल्द ही धर दबोचा जाएगा। अब तो ये साबित हो गया कि कैसे बीजेपी समर्थित लोग ही बीजेपी नेताओं को फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर गाली देते हैं और किसी खास धर्म को बदनाम करते हैं, और ये सब सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट हासिल करने के लिए किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट न्यूज़ लाइव।